हेलो एवरीवन, आ गए, नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत सही होंगे। तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ अपना डेस्क सेटअप, मेरा डेस्क सेटअप टोटल कैसा है। उतना अच्छा तो नहीं है पर ठीक ठाक है और काफ़ी नीट एंड क्लीन मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है सब कुछ। और अच्छा मैं डेस्क सेटअप करना चाहता हूँ, लेकिन अभी कॉलेज खुलने वाला है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ कि कॉलेज खुल जाएगा तो वहाँ पे जहाँ पे रहूँगा हॉस्टल में या फ्लैट में वहाँ पे एक प्रॉपर डेस्क सेटअप बनाऊँगा। क्योंकि अगर यहाँ पे बना लिया अभी और एक दो महीने में भी कॉलेज खुल गया तो मुझे सारा सामान लेके फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अभी जैसा भी है डेस्क सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ, और जैसा भी लगेगा बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा। तो इस चैनल पर मैं कॉलेज लाइफ शो करता हूँ, प्रोडक्टिविटी के बारे में चीज़ें बताता हूँ और व्लॉग्स दिखाता हूँ और कुछ कुछ चीज़ें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बताते रहता हूँ। तो जाके चैनल चेकआउट करो यार, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगेगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बेकार लगेगी डिसलाइक कर देना, कुछ भी कर देना। तो अब इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो अब स्टार्ट करते हैं मेन डेस्क सेटअप। सबसे पहले इस साइड चलते हैं, ये है मेरी चेयर, इस पर मैं पूरे दिन बैठा रहता हूँ। ये है मेन टेबल, टेबल में सबसे पहले इधर चलते हैं। ये है आईपैड, इसमें मेरे को मूवीज़ देखनी होती है मैं मूवीज़ देख लेता हूँ, या फिर मेरे को और भी कुछ काम करना होता है तो इस पर कर लेता हूँ मैं सारे। ये है मेरा फ़ोन, फ़ोन में वॉलपेपर मैंने नाना जी और अपनी एक फ़ोटो लगा रखी है। इसके बाद मेन मशीन पे चलते हैं, ये है मेरी मशीन आसूस का टफ लैपटॉप, और इस पर मैं पूरे दिन काम करते रहता हूँ या फिर टाइम पास करते रहता हूँ। तो अभी 8:58 हो रहा है रात के, आगे चलते हैं। ये है एक्सटेंशन कॉर्ड, इसमें चार चीज़ें लगी हुई हैं। सबसे पहले ये चार्जर है फ़ोन का, फिर ये लैपटॉप का चार्जर, ये आईपैड का चार्जर, और ये इस लाइट का वायर है जो ये पूरा ये लाइट आप देख रहे हो ना मेरे रूम में लगा हुआ है, ये इसी से चलता है। उसके आगे चलते हैं, ये माउस पैड, ये मेरा माउस है लॉजिटेक का, और ये मैंने अमेजोन बेसिक से लिया था ये माउस पैड। और ये एक टेबल का क्लोथ है जो मैंने अमेजोन से ही परचेज़ किया था, काफ़ी सही है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा स्पेक्स है जो मैंने लेंसकार्ट से लिया था। ये स्पीकर है मीवी के, ये मेरे दो ईयरफोन्स हैं, एक वन प्लस का है, एक जेबल का है, और फिर ये एक छोटी सी बेंटले है गाड़ी जो मेरे को दीदी से मिली थी, और काफ़ी सही है, फोकस पे पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे को बहुत क्यूट लगा इसलिए मैंने उसको टेबल पर रखा हुआ है। ये है, इसमें मैंने अपने सारे पेंस वगैरह रखे हुए हैं, ज्योमेट्री वाली चीज़ें रखी हुई हैं। पीछे देखते हैं, आगे गणेश भगवान की फोटो है, एक हाथ से कैसे करूं प्रणाम, जैसे कर लिया मैंने कर लिया, कुछ भी। ये है मेरा पॉकेट नाइफ, मतलब मल्टीपर्पज टूल किट है। ये है मेरे घड़ी का चार्जर, ये है कुछ नोटबुक्स जो मैं रेगुलरली यूज़ करते रहता हूँ, एक है रैंडम स्पेस जिसमें फालतू चीज़ें लिखता रहता हूँ, एक पढ़ाई का है, और एक है फाइनेंस की जिसमें मैं फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें पढ़ता हूँ तो लिखता हूँ। ये मेरी डेली डायरी है जिसमें मैं डेली चीज़ें लिखता हूँ कुछ ना कुछ। ये है चारकोल जिसमें मैं कभी स्केचिंग करने के लिए यूज़ करता हूँ, ये ड्राइंग पेंसिल्स हैं, ये बॉटल है जो मैं ठंड के टाइम यूज़ करता हूँ गर्म पानी पीने के लिए। ये है माइक का कवर, इसमें माइक अभी तो नहीं है, माइक मैंने पहन रखा है। ये बहुत सही चीज़ है, ये है हाजमोला, हाजमोला मैं रेगुलरली खाता हूँ, मुझे बहुत सही लगता है, मैं रोज़ खाता हूँ हाजमोला रात में सोने के टाइम पे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फिर उधर चलते हैं, यहाँ पे ट्राईपॉड रखा था, अभी तो वो मेरे हाथ में है। वो है मेरा जिम करने के लिए जो ग्लव्स मैं पहनता हूँ, वो है, नाम मैं भूल गया इसका, ये मैंने डिकैथलॉन से लिया था, काफ़ी सही चीज़ है और एक साल तक चल चुका है। और ये रेजिस्टेंस ट्यूब है, घर में जब जिम मारता था तो उसमें यूज़ करता था, मैं दिखाता हूँ अभी, एक बार डंबल्स पड़े हैं घर में, पर अब मैं जिम जाता हूँ तो अब वो यूज़ नहीं करता। ये चलते हैं, ये उकुलेले है, मैंने टेनोर उकुलेले खरीदा था, और ये जुआरेस का मैंने अमेजोन प्राइम से लिया था, बहुत सही है और काफ़ी अच्छा उसमें आवाज़ वगैरह आता है। ये बॉटल पानी पीता हूँ मैं इसमें, और आपको ये पीना चाहिए, जाओ पानी पियो जाके, बहुत ज़रूरी है हाइड्रेट रहना। फिर नीचे चलते हैं, तो इसमें कुछ बुक्स एंड नोटबुक्स रखे हुए हैं, और वो मेरे चश्मे का कवर रखा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, बाहर जाने के लिए यूज़ करता हूँ। तो इधर पोस्टर की तरफ चलते हैं, वो मेरा शेड्यूल है दिन का, वो मैं आपको अभी तो नहीं दिखाऊंगा। तो ये चलते हैं, मस्टैंग मेरी फेवरेट कार है, इसका मैंने पोस्टर लगा रखा है, टोनी स्टार्क मेरा फेवरेट सुपर हीरो, तो मैंने इसका भी पोस्टर लगा रखा है, वो मेरा फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर है जियानिस, तो मैंने उसका भी फोटो लगा रखा है वहाँ पे। ये एक बहुत सी चीज़ लगा था मेरे को, तो मैंने इसका एक पोस्टर खरीद लिया था, नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। आगे चलते हैं, तो ये एक है, मेरे को वर्ल्ड टूर करना है लाइफ में आगे चल के, तो मैंने उसके लिए भी एक पोस्टर लगा रखा है, ये बैडमिंटन रैकेट है, ये कैप है, ये मास्क है, और वो हेयर बैंड है। और इधर मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने उसका एक पोस्टर लगा रखा है, यू आर माय क्वीन नाउ एंड ऑलवेज, जो सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन था, भाई क्यों मारा तूने यार उसको, डैनी को। Why you
saying. फिर एक ये है, मैंने ऐसे ही लगा रखा टाइम पास के लिए, तो आगे चलते हैं। बुरा बास्कल पड़ा हुआ है, ये मच्छर बहुत परेशान करते हैं, तो इसलिए मैंने लगा रखा है। तो ये है मेरा मिनी लाइब्रेरी, एक छोटा सा पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, एक बड़ा पेड़ आपको याद होगा मैंने लगा रखा था अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो वो अभी बाहर धूप में मैंने कुछ दिनों के लिए दे रखा है क्योंकि वो थोड़ा सड़ रहा था। तो ये छोटा पेड़ है तो अभी लगा हुआ है। और ये कुछ बुक्स हैं, ये मेरे को बहुत प्यारी बुक लगी थी, मैंने पूरी नहीं पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी है, पर मैं बहुत जल्दी पूरी पढ़ने वाला हूँ। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नीली एवरीथिंग, और बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, और वो नीचे वाली जो बुक है ना वो पॉडकास्ट के ऊपर बुक है, मैंने अभी रिसेंटली परचेज की थी और मेरे को पढ़नी है वो, काफ़ी सही बुक है वो। और ये सारी बुक्स हैं, और ये मैं अभी फिलहाल पढ़ रहा हूँ एलन मस्क। ये छोटी सी एक मॉन्स्टर ट्रक है जो मुझे बहुत प्यारी लगी थी, तो मैंने इसको रख रखा है अपने छोटे से मिनी लाइब्रेरी में। ये घड़ी है और नीचे कुछ कुछ सामान रखे हुए हैं सारे ड्रॉर्स में। और ये मेरी फेवरेट बाइक है, हार्ले डेविडसन, जो मुझे आगे चल के खरीदनी मेरी ड्रीम बाइक है। वो क्लोथ है जो मैं डस्टिंग करने के लिए यूज़ करता हूँ अपने रूम में। तो ये ड्रॉर है, ड्रॉर में फालतू कबाड़ चीज़ें पड़ी हुई हैं, चार्जर्स वगैरह कुछ पड़े हुए हैं, ब्रश पड़ा हुआ है और एक कंघी पड़ी गई, थोड़ी मेडिसिन पड़े हुए हैं। तो ये सब था यहाँ पे, और ये तुम्हारा भाई है, और ये मैंने होम वर्कआउट करने के लिए यहाँ पे लगा रखा था, पर अभी तो होम वर्कआउट नहीं कर रहे, बोले पड़े हुए डंबल्स मेरे बारबेल रॉड, पर अभी तो तुम्हारा भाई जिम जा रहा है। तो यही सब था, और ये बस यही सब था। एक ये अलमीरा है, इसमें कुछ पुराने कपड़े रखे हुए हैं और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। और ये अलमीरा है जिसमें मेरा सामान, मेन वार्डरोब रखा हुआ है, मेरे टी शर्ट्स और ग्रूमिंग वगैरह कपड़े वपड़े सारे रखे हुए हैं। तो बस यही है टोटल मेरा रूम का सेटअप। ये एक बैग है जो मैंने डिकैथलॉन से परचेज़ किया था, क्वेश्चो का, मुझे काफ़ी सही लगा था, मैं कभी कभार जिम लेके जाता हूँ, कभी कभार ऐसे टाइम पास करने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। तो बताओ यार आप लोग कमेंट सेक्शन में कैसा लगा मेरा छोटा सा डेस्क सेटअप और मिनी लाइब्रेरी, क्यूटू सा। तो ये था मेरा इन टोटल डेस्क सेटअप जो मैंने अभी थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है रूम में। कॉलेज जाऊंगा तो वहां पे जो डेस्क सेटअप बनाऊंगा मैं अपना नया, तो वो भी दिखा दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दो, और जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर आपको मुझसे कुछ भी और पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके DM करो, यहां पे मेरा आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, जाओ मुझे वहां पे जाके कनेक्ट करो, और जो भी डाउट्स हैं बस पूछ डालो। तो बस यही था आज की वीडियो में, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, काम करो यार, और अपने हेल्थ का ख्याल रखो, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। जय हिंद।